गाइस वन पीस का नया चैप्टर आ चुका है, तो फटाफट से देखते हैं। वन पीस चैप्टर 1107 आ चुका है। आई होप तुम लोगों ने रीड कर लिया, और ये चैप्टर काफी ज्यादा बढ़िया था, बिकॉज लूफी ने फाइनली वो करके दिखाया जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे। प्लस वो जो ब्लैक बियर्ड पायरेट शिप है उसके बारे में हम लोग मचाते हुए जा रहे हैं। फाइनली इस वाले चैप्टर के सांजी को हम लोगों ने शाइन करते हुए देखा, प्लस जोरो को बहुत टाइम बाद दिखाया गया जिसके बारे में डिस्कशन बट यहाँ पे ना दूसरे कैरेक्टर्स को भी थोड़ा वो अपग्रेड कराना चाह रहे हैं ना, तो इस कारण होता है स्ट्रगल करना इज लाइक यू नो हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते। फॉर दैट रीजन बहुत सारे लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। आगे हमारे सामने रिपोर्ट्स आते हैं मरीन्स के, कुल मिला के 30 शिप्स ऑलरेडी डूब चुके हैं। फिर हम लोग बस इसी कारण से सैटर्न और किदारू डिसाइड करते हैं कि हम लोग वापिस जा रहे हैं, भैया माफ करो हमें। तो एक वाइस एडमिरल को दिखाया जाता है जिसका नाम है रेड किंग, जिसका डिजाइन ये वाइस एडमिरल है, ये वाइस एडमिरल है। अबे चपरासी लग रहा है ये, मेरे को बहुत ही बेकार लगा भाई ये, मतलब क्या है भाई। आई डोंट नो, यहां पर मेरा कंप्लेन है भाई, सिर्फ मेरे को थोड़ा क्रीचर टाइप का लग रहा है, नो आईडिया। ये कैरेक्टर डिजाइन मेरे को अच्छा नहीं लगा भाई, प्राची लग रहा है। हमारे पास भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन्स है, तो ये बोल के एक पैसिफिस्ट को उड़ा देता है। और भाई आगे का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लूफी एंड बॉनी। लूफी ऊपर रहता है और बोलता है हाय बॉनी तुम रो क्यों रही हो। बॉनी बोलते मैं क्यों नहीं रोऊंगी, मैं तो तुमको ही ढूंढ रही थी। लूफी वाज लाइक मेरे को क्यों, मैं तो पूरे टाइम यहां पर ही था। फिर आगे बॉनी बोलते मेरे को तो पहले पता नहीं था कि तुम ही निका हो। एंड लूफी वाज लाइक निका व्हाट इज निका, ये निका क्या। हां भाई लूफी को निका के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो जितने लोग तुम में से है बोल रहे हैं कि लूफी नीड्स मोर गियर अप इन फ्यूचर, आई डोंट नो अबाउट इट, इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मेरे को लगता है एक आध तो गियर तो और आएगा। को जब निका के बारे में पता चलेगा तब इसका फुल पोटेंशियल वो इजीली यूज कर पाएगा, बिकॉज अभी गियर 5 स्टार्ट हुआ, निका मोड उसका स्टार्ट हुआ, उसके बारे में उसको ए टू जेड कुछ भी पता नहीं। जब इसके स्टोरी उसको पता चलेगा, इसके बारे में आइडिया लगेगा, वो इमोशनली फील कर पाएगा कि हाँ निका एक्चुअल में है क्या, तब उसको हम लोग फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करते हुए देखेंगे। इट डजंट नो अ बिट अबाउट निका, 1% भी उसको पता नहीं भाई। तो इन फ्यूचर बॉनी या फिर कुमा कुड बी द वन जो उसको निका के बारे में बताने वाला है, या फिर कोई दूसरा वो भी हो सकता है। लूफी आगे बॉनी को बोलता है तुमने जो इससे पहले पंच मारने की कोशिश की कैसा पंच था, देन बॉनी से इतना बिग रबरी पंच मार। भाई इधर ब्लैक बियर्ड पायरेट्स तो आ रहे हो तो ठीक है, बट गार्प का क्या हाल है यार, गार्प का भी कुछ छिंट दे दे ओडा भाई। मारने की कोशिश कर रहा था बट तुमने मेरे को दिखाया नहीं ये पंच एक्चुअली मारते कैसा। फिर आगे बॉनी सीरियस लूफी को बोलती है सैटर्न को एक खतरनाक पंच दो वेगा पंक के लिए, तो दैट हम लोग यहां से निकल पाएंगे। एंड ऑल राइट बॉनी, और ये बोल के भाई जो पंच थ्रो करता है भाई, ऐसा एनिमेशन फ्रीकिंग सैटिस्फाइंग भाई। पता है अब ना थोड़ा चिल एकदम रिलैक्स टाइप का एनिमेशन हो गया, पता है ऐसा एनिमेशन ना कोई वैसे वाला एनिमे में अच्छा लगता है, चिल रिलैक्स कर रहे हैं, एक दो एपिसोड आ रहा है ऐसा टाइप का, देख के मजा सा गया। ये पंच ब्रो हाँ। इतनी तारीफ करो भाई इसके उतनी ही कम है ब्रो। पंच का नाम है बूमिंग डाउन गटलिंग। एक ही साइड में हम लोग को बॉनी फिर वेगा पंक फिर कुमा का फेस दिखाया जाता है, मतलब सब लोग उस पंच को देखता है भाई। और एक ही पंच में सैटर्न बहुत दूर जाते गिरता है ब्रो, लाइक दे आर ट्रीटिंग सैटर्न लाइक नथिंग, कुछ भी नहीं है सैटर्न, ऐसा ट्रीट कर रहे फाइव एल्डर्स में से उसको देख के लग ही नहीं रहा भाई। कोई भी पंच कर रहा है, कोई भी स्टेप कर रहा है, नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन, वो एल्डर वाली वाइब नहीं दे रहा है। शुरू में दे रहा था बट अभी लग रहा था कोई भी आके मार के चला जा रहा है। और आगे हम लोग को पता चला अब सही में एल्डर दिख रहा है, मतलब बूढ़ा डॉक्टर वेगा पंक बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, अगर वो यहाँ से मूव करेगा तो ही विल डाई। मेरे को लगता है मोस्ट लाइकली ही विल डाई या फिर चॉपर एक रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज चॉपर अभी तक कोई रोल प्ले किया ही नहीं। आई कैन सी चॉपर सेविंग डॉक्टर वेगा पंक, और उसका थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को पता है ये पॉसिबल हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं सबके बीच में किजारू एकदम से आके बॉनी और वेगा पंक के ऊपर डायरेक्ट। अब आएगा अपना ये क्या नाम है कुक सांजी, अटैक करता है लाइट को यूज करके। बट वेट द वे सांजी डिफ्लेक्टेड द लाइट विद हिज बेयर लेग, भाई देख के स्वाद आ गया। इस वाले आर्क में सांजी मचा रहा है, आगे किजारू का शक्ल देखने लायक है। किजारू शॉक हो गया, कैसे हुआ सांजी, कैसे कर पाया। आए
बैंगन सांजी बोलता लाइट डजंट होल्ड अ कैंडल टू लव ओ माय गॉड प्यार की ताकत भाई देखो ठीक है सांजी डिजर्व्स अटेंशन सांजी डिजर्व्स कैरेक्टर डेवलपमेंट और बहुत टाइम सांजी को बट सांजी को ज्यादा ही सिंपनी बना के रख रहे वे थोड़ा तो वो करो वे रखा जा रहा था एंड हर चीज में लव 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 क्या चीज का मिशन सक्सेसफुल इनो में वो एक मिथिकल जॉन टाइप है एंड वो अपने आपको नाइन टेल्ड फॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती है एंड इसके साथ साथ वो लोगों के अपीयरेंस भी कॉपी कर सकती है भाई नॉट ओनली अपीयरेंस बट मोस्ट प्रोबब्ली आल्सो द एबिलिटी दे पोसेस इसका मतलब हमारे सामने ये आ रहा है कि अभी वो फिलहाल सैटर्न को कॉपी कर सकती है सैटर्न की अपीयरेंस प्लस सैटर्न की पावर्स मोस्ट लाइकली और सैटर्न अभी होली लैंड में नहीं है सैटर्न यहां पर ए ग्रेड में है तो वहां पर शायद कुछ मचा सकती है जाके यहां पर कैटरीना डेविल फ्रूट इज वाइड यहां से वन पीस एकदम बदलने वाला है ये जो मोमेंट था ना टच करने का दैट्स सो फ्रीकिंग इंपॉर्टेंट भाई यहां से ब्लैकबियर पायरेट्स एक और स्टेप ऊपर चले जाता है Not limited by just physical form की copy ना भाई ऐसा नहीं है because हम लोगों ने देखा Saturn की power की तारीफ कर रही थी और उसके बाद उसको touch किया तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आ रहा है she is gonna gain Saturn's power for sure और यहाँ पर not only Catherine Devon यहाँ पर Van Augur भी और यहाँ पर Van Augur का यहाँ पर होने का मतलब Robin is in danger even though Robin को ठीक से दिखाया नहीं जा रहा है I don't know why और यहाँ पर ना भाई Blackbeard Pirates की एक बात मेरे को बढ़िया लगता है उन लोगों को यार Blackbeard की presence की कोई जरूरत नहीं है एक एक सिंगल मेंबर वैसा पावर होल्ड करता है वैसा कोल्ड वाइब देता है गाइस एक एक मेंबर उनका खतरनाक हो गया भाई अभी बट शैंक्स नहीं जीत पाओगे विद कॉप विद द टास्क विद देमसेल्फ ब्लैकबियर्ड की जरूरत नहीं पड़ती उन लोगों को दे आर वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड एंड इफेक्टिव और सच्ची बताऊं तो ब्लैकबियर्ड पायरेट को देख के वो डर लगता है कि भाई हां उनमें कुछ बात है उनके अपीयरेंस से भी लगता है प्लस उनके पावर से तो अभी और भी ज्यादा लगने लगा और पता नहीं भाई ऑफिस के उन लोगों ने क्या कांड करके रखा जो हम लोगों को फ्यूचर में दिखाने वाले हैं आगे सडन एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है तुम्हारे जैसे इतनी खतरनाक और ब्लैकबियर्ड की सबॉर्डिनेट बनकर जिंदगी गुजारने के बारे में क्यों सोचेगी देन कैटरीना सेड ब्लैकबियर्ड इज स्पेशल एंड सडन बोलता है एज इज हिज लाइनेज अब यहां पर सडन की लाइन से हम लोगों को पता चल रहा है कि ब्लैकबियर्ड का कुछ स्पेशल तो है शायद उसका पास्ट है पर जहां से वो आया यहां पर दो चीजें होने का कुछ तो हो सकता है मार्शल डी टीच का मतलब क्लैन का कुछ तो होगा ना नंबर वन ब्लैकबियर्ड इज ए पार्ट ऑफ बकिनियर रेस एंड नंबर टू उसका ब्लड लाइन जो ऑफकोर्स ब्लैकबियर्ड का बैकग्राउंड उसका बाप और समथिंग जो बस हमारे सैटर्न और कुछ लोगों को पता है इधर बकिनियर रेस नहीं तो उसका ब्लड लाइन अब इसके बारे में इन फ्यूचर में डिटेल्स में एक वीडियो बना दूंगा अभी के लिए इसको यही पर रोक रहा है आगे सैटर्न बोलता है तुम्हारे क्रूज हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है और इस सब करके तुम क्या पाने की कोशिश कर रहे हो वैनो को रिप्लाई करता है द वर्ल्ड भाई साहब इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है तुम समझ रहे हो ब्लैकबियर्ड वांट्स टू कंक्यूर द वर्ल्ड भाई अब ऐसा हो सकता है ब्लैकबियर्ड को शायद पता नहीं वो जो एम्प्टी थ्रोन है वो इमु को आंदो बेटा इमु को आंदो तेरे को अकेले पेल सकते नहीं है उसमें कोई है एंड दैट्स इमु सामा अब ऐसा भी हो सकता है ब्लैक बियर्ड को पता है एंड ही हैज अ प्लान एंड ही इज अप टू समथिंग एंड फॉर दैट रीजन वो सारे के सारे पावरफुल क्रू एंड जितने यूनिक एबिलिटीज है वो गेदर कर रहा है दुनिया को अपने मुट्ठी में करने के लिए और भाई इमेजिन करो अगर ऐसा हमारे सामने रिवील हो इमु जो है वो फाइनल बॉस नहीं है दैट्स ब्लैक बियर्ड हिमसेल्फ जो एक्चुअली में फाइनल बॉस होने वाला बिकॉज उन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से बिल्डअप किया प्लस उसका पास्ट रख दिया है उसको बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है और उसके एक एक क्रू में बहुत खतरनाक पावर्स होल्ड करता है तो इट मेक्स सेंस बाकी अगेंस्ट यू गाइस कैन लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन और आगे हम लोग देखते हैं सैटर्न उन लोगों का अटैक करता है वो लोग चले जाते हैं बोलते हैं अभी हम लोग फाइट करने नहीं आए और वो लोग जाने लगते हैं वहां पर कैरी वो फाइनली आता है बोलता है मैं प्लीज लेकर चलो मैं पायरेट बना बस ब्लैकबियर्ड की वजह से आई एम फैन ऑफ ब्लैकबियर्ड जस्ट लाइक बार्टोलोमियो फॉर लोपी वैसे यार कैरी वो इज फॉर ब्लैकबियर्ड वन पीस का फाइनल फाइट होने वाला कैरी वो वर्सेस बार्टोलोमियो या भाई द बेस्ट वन पीस फाइट एवर तो इसके साथ साथ ये गेम पर खत्म होता है नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं और मेरे को लगता है यहां पर कैरी वो टेलिंग ब्लैकबियर्ड अबाउट द एंशियंट वेपन मेक्स सेंस भाई क्योंकि यहां पर कोई भी यार वानो के माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा अदर देन गुरा गुरा नोमी तो या इट डेफिनेटली मेक्स सेंस बाकी डिटेल्स में आई हैव सो मेनी थिंग्स टू से बट मैं वीडियो यहां तक रोक रहा बिकॉज आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है बहुत ज्यादा हेडेक है तीन दिन से तो मैं ठीक से वीडियो नहीं बना पा रहा बातचीत नहीं कर पा रहा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तो इस वीक थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में आ जाए एंड तो गाइस तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर से बताना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।